Hi guys, welcome to Pintuku blog. Today I'm going to unbox FND home theater. This is one of the best home theater and cheap and best. Okay guys, so चलिए एक एक करके देखते हैं. जैसे कि आप जान सकते हैं कि 5 इसमें स्पीकर रहता है और काफ़ी लाजवाब इसका साउंड टेस्ट वगैरह मैं सब चीज़ ए टू जेड आपको करके बताने वाला हूँ. तो बने रहिएगा और देखते रहिएगा कि मैं कैसे अनबॉक्सिंग आपके लिए करता हूँ. टुडे एक्चुअली आई गॉट दिस पैकेज यू नो फ्रॉम अमेजन. सो इट वाज रियली एट अ गुड प्राइस. सो विदाउट एनी मोर डिले आई बॉट इट एंड फाइनली आई गॉट इट टुडे हियर. सो गाइस लेट्स अनबॉक्स इट एंड लेट्स फाइंड आउट इनसाइड what's this what actually is inside in this box, how many speaker and what accessories are there inside. We shall check every single details about this FND sound system. So guys, stay tuned with us and let's see. First se cutting hum log, uske baad ye karenge. था यहाँ पे कहाँ गया. देख सकते हैं इस चक्कू से मैं इसे नाइफ से काटूंगा और निकाल रहा हूँ क्योंकि ऐसे तो निकलेगा नहीं है. ये प्लास्टिक काम में भी आ सकते हैं है ना. ऐसे नहीं निकल रही है. बढ़िया से काटना पड़ेगा. इतना धार नहीं है मेरा चक्कू जो है. तो देखते हैं. मैं इसका प्लास्टिक हटा दिया मैंने. देख सकते हैं आप. और थोड़ा क्लोज दिखा दूँ आपको. ध्यान से देखिएगा गाइस. अब ये मेन प्लास्टिक है, एक और है, इसे हटा के देखते हैं. शायद किसी ने चेक किया हो ना किया हो पता नहीं. एक एक में काट कर आपको दिखा रहा हूँ गाइस. थोड़े शुरू से एक भी मिस मत करना दोस्तों. काफ़ी मज़ा आने वाला है. देखिए फाइनली. हाँ जैसे आप खोलोगे कैसा दिखेगा आपको मैं वो दिखा देता हूँ. देखिए ये तो मैं दिख रहा हूँ. जैसे बॉक्स ओपन होता है तो इसमें आपको ऐसे ऐसे सामान मिलते हैं. ठीक है, ये स्पीकर है, ये स्पीकर है, ये स्पीकर है और ये स्पीकर है, ये स्पीकर है. ओके, अब इसके साथ जो एक्सेसरी सामान मिलती हैं ये सब आप देख सकते हो. ये बैटरी वगैरह है, रिमोट है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं. तो ज़्यादातर वायर जो होती हैं वो सब कनेक्ट करने वाली वायर होती हैं. देखिए ये सब इसके साथ वायर मिली हुई है. काफ़ी लंबा वायर होता है, करीबन 25 मीटर का वायर होता है, लंबा लंबा, ताकि आपको सेट करने में प्रॉब्लम ना हो. देखिए सबका वायर निकला हुआ इधर. अब ये इसका वायर है. ठीक है गाइस, तो एक एक करके हम सब सामान बाहर निकालेंगे. ये स्पीकर निकालते हैं पहले. चलिए ये पहला स्पीकर निकाला मैंने बाहर. ठीक है, जगह नहीं है स्पेस, इसीलिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है. पहले स्पीकर बाहर निकाल लेंगे, सेट कर लेंगे, फिर आपको साउंड सिस्टम अच्छे से चेक कराऊंगा. देखिए इसमें 3 स्पीकर इस साइड था दोस्तों और 2 स्पीकर यहाँ है. ठीक है, रेट वगैरह मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप चेक कर लेना. ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो. तो ये रहा इसका पूरा स्पीकर, मैंने बाहर निकाल दिया है एक एक करके 5 स्पीकर. ठीक है, अब रहा ये फॉर्म जो है ऊपर का, ये बाहर आ जाएगा. ठीक है, इसकी अब आवश्यकता नहीं है क्योंकि स्पीकर बाहर तो फॉर्म भी बाहर. इसको बाहर अंदर रख के कोई फ़ायदा नहीं है. अब जो है मेन आपका जो उसको बोलते हैं मोनीटर भी कह सकते हैं आप, जो पूरा हैंडल करता है, सॉरी मोनीटर बोलते हैं इसको, क्या कहते हैं गाइस, कंप्यूटर का जो मेन ब्रेन होता है, हैं सीपीयू कहते हैं ना, समझ लो कि ये सीपीयू है एक तरह से, कंप्यूटर का सीपीयू है जो हैंडल करता है सब चीज़. ठीक है,
चलिए तो बिना देर किए हुए निकालते हैं बाहर और उसके बाद आपको दिखाते हैं अच्छे से, ठीक है। ये फिट हो चुका है दोस्तों, देखिए साउंड बहुत, और फिल्म देखने के लिए बहुत अच्छा है, साउंड देखिए झकास आ रहा है। इससे ये कनेक्टेड है, मैंने कनेक्ट किया, देखिए ये जो है फिट हो चुका है। मैंने होम थिएटर को मेरे कंप्यूटर से फिट कर दिया है मैंने, और इसमें साउंड जो है क्वालिटी A1 क्वालिटी साउंड देता है यार दोस्तों, A1 क्वालिटी, सीरियसली आप लगा के देखो। और मैंने इसका एक स्पीकर यहाँ रखा है, ठीक है, और चार स्पीकर ये कंप्यूटर के पीछे रखा है मैंने, जो आपको अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, लेकिन जगह नहीं था स्पेस तो यहीं रख दिया है मैंने पीछे, ठीक है। तो पीछे रखा हुआ है, यहाँ से देख सकते हैं पीछे चार स्पीकर रखे हुए हैं, एक स्पीकर यहाँ, पांच स्पीकर, और ये मेन सब वूफर जो है ये, ठीक है, मेन वूफर जो हो गया ये यहाँ हो गया। और इसमें बहुत सारे फंक्शन है, लाइट जो है बहुत सुंदर सुंदर जलता है यार, 7 किस्म का रंग का लाइट इसमें जलता है दोस्तों, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा लगेगा आपको, आप लेके देखो, आपको मज़ा आने वाला है, एंड आई एम श्योर कि आप लेकर पछताओगे बिल्कुल। इसका साउंड टेस्ट क्वालिटी, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जो आपको कल डालूंगा, उसमें आपको साउंड मैं दिखाऊंगा गाना बजाकर कैसे बजता है, वो पार्ट 2 होगा दोस्तों, ठीक है। ये पार्ट 1 वीडियो है जिसमें मैं पूरा लंबा एक साथ नहीं ले सकता हूँ, तो पार्ट 2 वीडियो में मैं पूरा साउंड की क्वालिटी इसका चेक करूँगा, और आपको DJ का साउंड, हर साउंड मैं इसमें सुनाकर बताने वाला हूँ। तो चलिए ये वीडियो आज इतने पे समाप्त करते हैं, और आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, है ना। तो ये रहा मेरा कंप्यूटर दोस्तों, देख सकते हैं, तो कंप्यूटर ओके गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं फिर, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, लव यू ऑल गाइस, एंड प्लीज़ कीप सब्सक्राइबिंग माई चैनल, एंड लाइक तो ज़रूर कीजिएगा, हिट द लाइक बटन विदाउट मेकिंग मी वेट सो लॉन्ग, प्लीज़ गो अहेड, कम ऑन, चले मिलते हैं, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय गाइज़।